देखो यहाँ पर क्या बन रही है, गुजिया। और क्या आने वाली है? होली। होली, दिवाली आने वाली है। तेरी मम्मी भूल गई है। गुजिया गुजिया तो बनती है हमारे होली पे। होली पे, दिवाली पे, दिवाली पे। अरे एक सेकंड, यहाँ पर मक्का चलती हुई नौटंकी हो रही है। हेलो गाइस, आई एम रिधान। और यहाँ पे हम बना रहे हैं गुजिया। गुजिया बना रहे हैं। देखो यहाँ पर मक्का चलती हुई नौटंकी हो रही है। हमारी गुजिया यहाँ पे बन रही हैं और आप लोग टाइम देख सकते हैं, रात के बज रहे हैं 11:30। और आज है छोटी दिवाली, कल है दिवाली, तो बस उसी की प्रिपरेशन हो रही है रात के टाइम। यहाँ मैंने पेठे बनाए हैं, इसको इनकी कल चाशनी चढ़ाऊँगी। सो बस अभी तक की तैयारी ये है, आगे का ब्लॉग देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 11:30 और अभी आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ यहाँ पे मछली सांखे और दही बड़े बनाए हैं। उठते में काम में लगी थी क्योंकि सफाई वफाई सब करनी थी और आज का मुहूर्त जो है सुबह का, मतलब जो सुबह पूजा होती है हनुमान जी की, वो 3 बजे के बाद का, तो 3 बजे हनुमान जी की पूजा होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ही काम किया जाए। ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैगी बन चुकी थी, सबने खा ली है। अब बस रेडी होंगे थोड़ी देर में और उसके बाद मार्केट जाना है, बहुत सारे काम करने हैं। आज दिवाली है तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और उसके बाद फिर रंगोली बनाएंगे एंड क्या करना है, लंच बनाना है और डिनर की प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारे काम है। तो बने रहिए हमारे साथ और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मतलब इंस्टाग्राम पर भी हैं तो जाके वहाँ भी चेकआउट करना, बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं हम लोग। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मेरा चैनल सब लोग देखना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। इतना क्यूट है ना, तो फिर मेरा ब्लॉग खुद देखना। हाँ। 10 वगैरह लेकर आए हैं, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा इसकी है। देखते हैं बनी का रिएक्शन है ना क्या होता है। बनी के लिए कोई चीज आई है? उधर नहीं है, पापा के हैंड में। अच्छा ले आया तो दिखाने के उसके अंदर क्या है, दिखाना क्या है नेपर। ये सारे स्पाइडरमैन। अरे पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है? तेरी मम्मी रिएक्शन कर दी है तो कोई इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे बेवकूफ बना दिया, मौसम खराब है। जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ चिपका देंगे। उसकी वॉल को डेकोरेट कर रहे हैं, पता नहीं इसको पसंद क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं इसको क्या ही चाहिए अपनी लाइफ से। In my bones, I'm about to lose control. Only so much I'm taking. So get yourself a safety. इस बार मैं बना रही हूँ रेडीमेड वाली रंगोली, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रेडी भी होना है, थक गए हैं बहुत ज्यादा, तो इस बार ये ही सही। फूटा था वहाँ पे यार, बहुत अच्छा फूटा था।
तो अब हालत धीरे धीरे ये हुई है कि सब ये गिरते जा रहे हैं सब कुछ, और मैंने चलाया अभी बहुत अच्छा वाला पटाखा। और मैं दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। बताइए, रोशनी उस साइड नहीं आ रही, इस साइड ही आ रही है। और ये देखो भाई साहब, क्या लगा कर आए हो आप? पेंटा? ओ भाई, कहाँ है? दिखाई नहीं मुझे तो। चेंज कर आते हैं, फिर पटाखे चलाएंगे। डर लग रहा है पता है इनमें। अब चेंज कर लिया, अब ठीक ठीक लग रहा है यार। अब पतंग उड़ाएंगे नहीं, पटाखे चलाएंगे। मैंने कल से क्या हो रहा है, कभी होली संक्रांत मैंने सारे आ गए त्योहार मेरे। गजब गजब, बहुत शानदार। एक और हो जाए यार ये तो। ये पटाखे देखो तो सही यार, अद्धी कर दी तुमने पटाखों की भाई। वाओ, क्या है क्या है क्या? क्या है भाई, तू क्या है? तितली, बटरफ्लाई। आज एक तारीख और ये देखो जा रहे हैं भाई हम लोग झाड़ू और कट्टा लेके ऊपर, क्योंकि हमने ना जो कल आतंक मचाया है, हमने जो आतंक मचाया है। भाई साहब आते ही लग गए हैं अपने काम में। चलो पगार नहीं दूंगी मैं तुमको, तो ये पूरा साफ हो जाना चाहिए। ये देखो क्या आतंक मचाया था हमने कल। बढ़िया सफाई हो गई है, देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ हो गया है, पूरी छत साफ कर दी है हमने। और ये मेहनत है मिस्टर श्रीवास्तव की और मेरी। मुश्किल से कितनी देर लगी होगी अपन को? 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लगी है। पता नहीं वहाँ पे क्या झाड़ रहे हैं ये बड़े बम, अपन ने चलाए नहीं इस बार। और सबसे अच्छी बात है कि नहीं चलाए अपन ने, सिर्फ स्काई शॉट चलाए। और इस बार और क्या क्या चलाए? बच्चों के चटर पटर, छोटे मोटे फुलझड़ी और अनार वगैरह, इसमें ज्यादा मजा आ गया हमको। सो यहाँ पे हो रही है हमारे अन्नकूट की तैयारी की सब्जियाँ, मैंने आपको दिखाई दी है। यहाँ पे पालक है, मेथी है और मूली के पत्ते की, और यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च रखी जिनको भी काटना बाकी है। यहाँ पे अरबी और ग्वारफली है, काटने के लिए रखी हुई है, वो वाली कट चुकी है। सो आज है गोवर्धन पूजा, तो सभी को हैप्पी 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 गोवर्धन। और बस अभी अन्नकूट बनेगा, गोवर्धन भगवान बनाएंगे। तो मेरा नहाना हो चुका है और यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स भी कट हो चुकी हैं, तो अब सबसे पहले अन्नकूट बनाते हैं क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। 12 बज गई हैं, मतलब मैं इतनी लेट हो गई, मतलब करते करते भी मैं इतनी लेट हो जाती हूँ पता नहीं कैसे। तो फाइनली मेरी यहाँ पे अन्नकूट की सब्जी बन गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो और अब हम क्या बनाते हैं, भगवान जी यहाँ पे धान खेल रहे हैं, अभी अभी गुलाब जामुन खाया है इन्होंने, दो दो है ना, दो दो। ये देखो पता नहीं क्या क्या करके आ रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने इतना परेशान किया है ना मुझे, बहुत ज्यादा आप लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया। काम करके जाओ, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ पैसे कट जाएंगे, सुंदर बनाया ना। ए उसके हाथ मत लगा, उसमें दूध डालेंगे। पेटू छोटा इसलिए बनाया क्योंकि ना मैं भूल गई थी एंड में बनाया मैंने। मैं भूल गई थी आके पेट भी बनाना है उनका, टुन्नी है टुन्नी, उनकी टुन्नी में से दूध डालेंगे जे जे करेंगे जब, सब लोग डालेंगे। सुनो सिक्के नहीं निकाले, लाइट कम थी। Oh,
इतनी अच्छी पूजा, मतलब इससे अच्छी पूजा तो मैंने आज तक नहीं हुई गोवर्धन भगवान की। आज इतनी अच्छी पूजा हुई है ना, मतलब सब सफल हो गया मेरा। गोवर्धन के बाद यही हो रहा है, ऊपर आके बस हम पटाखे चला रहे हैं, अपने पटाखे खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो उतरे आज आदमी जितना निबट जाए उतना अच्छा है, नहीं तो हम डेली तो चलाने वाले नहीं है। पूजा चल रही है लेकिन इनकी अलग ही पूजा चल रही है। देखो क्रिकेट चल रहा है इनका। क्रिकेट नहीं छोड़ा जा रहा लोगों से। क्या 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 करते हैं एक दूसरे से? गद्दारी गद्दारी गद्दारी। अभी अभी क्या बोला तूने पहले वो बोल के दिखा। गद्दारी गद्दारी गरारी गरारी। चित्रगुप्त हरे भक्त जनों के। जय जय करेंगे भाई के जीवन की माला बनाएंगे। उस माला बनाते टाइम बोलते नहीं है, ठीक है? ये हमारे भाई की जो चुगली करता है उसकी जीभ है। हमारे भाई को जो भी बुरा भला बोलेगा, हमारे भाई की जो भी गाली देगा हमारे भाई को, उसकी जीभ हम ऐसे ही कुचल देंगे। उसकी जीभ हम ऐसे कुचल देंगे। हमारे भाई को कोई भी बुरा नहीं बोल सकता। कुचल दे कुचल।